हाँ जी बेटा, यू नो इट वेरी वेल कि फर्स्ट चैप्टर में से हमारा जो है ना टॉपिक यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम दैट इज डिलीटेड. ठीक है, तो दैट मींस कि प्रूव दैट दिस इज एन इवन नंबर, वो ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस और स्क्वायर ऑफ ए नंबर दैट इज नॉट इन द सिलेबस. ओके, नाउ आई स्टार्ट विद, बट एक जनरल चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए. एनी इवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टू एन, वेयर एन बिलोंग्स टू एन इंटीजर. एनी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस टू एन प्लस वन. हम इसको इवन नंबर को फोर एन भी लिख सकते हैं, ऑड नंबर को फोर एन प्लस वन भी लिख सकते हैं. ओके बेटा, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरे पास जो है लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. एचसीएफ को एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ एनी नंबर, प्लीज सी इट केयरफुली. इसका शॉर्टकट क्या, हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको 65 एंड 117 को एक्सप्रेस करना है एज अ फॉर्म ऑफ 65m-117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एचसीएफ को, है ना. अब आप क्या करोगे, सबसे पहला काम है दोनों का एचसीएफ निकाल लो. एचसीएफ कितना आया? ठीक है, निकाला, निकालिए, अरे अब फटाफट निकालिए. थर्टीन आ रहा है जी. चलिए जी, लेट अस चेक. ओके जी, यस इट इज 13. दैट मींस अब एम की वैल्यू कोई वो एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है. सिंपल, 13 इक्वल्स टू दिस, और यहां से एम की वैल्यू सीधा निकाल लो. कैसे निकालोगे? ये उधर जाके प्लस हो गया, जब प्लस हुआ तो ये कितना आ गया, 130, 65 एम, और 130 डिवाइडेड बाय 65 इज इक्वल टू एम, टू. तो एम की वैल्यू क्या आ गई, टू. आगे हम बैक सब्स्टिट्यूट करना बताते थे, अब कोई जरूरत नहीं है. अब बात समझ आई सबको? ठीक है जी, शुड आई मूव टू नेक्स्ट? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. मेरे पास जो है लार्जेस्ट नंबर, अब आप लोग बताओगे, आपको पता होना चाहिए द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70, 125, लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8. विच लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8, कैसे निकालेंगे? पहले माइनस करना है क्योंकि रिमाइंडर एक्स्ट्रा है ना. हाँ जी, तो सबसे पहले किसमें से 5 करेंगे तो 65, यहां से 8 करेंगे 113. अब इसका क्या निकालेंगे? 117 से. हाँ जी, क्या निकालना है? एचसीएफ. अब आप 65 और 117 का एचसीएफ अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला 13, क्योंकि लार्जेस्ट पूछा है, बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करता है, तो वो 65 से बड़ा नहीं हो सकता. क्योंकि मैं आपको एक सौखा सा तरीका, अब आपको निकालना बहुत इजी है, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे वो 70 से बड़ा नहीं हो सकता. एलसीएम का आंसर हमेशा क्या होता है, बड़ा या इसके बराबर होता है, होता कि नहीं होता, है ना. इससे बड़ा होता है, छोटा कभी नहीं हो सकता. तो दैट मींस यहीं से मेरे पास जो आ जाता है कि मुझे एलसीएम नहीं निकालना, क्योंकि कोई बड़ा नंबर आ गया तो वो 70 को डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना. तो इसीलिए क्या निकालना है, एचसीएफ. ऐसे भी सोच सकते हैं. इज इट क्लियर? कैलकुलेट, जब आपने एचसीएफ किया तो इसका आंसर कितना आया, 13. ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट. मेरे पास
इफ पी वन एंड पी टू, इफ पी वन एंड पी टू आर द टू ऑड प्राइम नंबर्स, पी वन एंड पी टू आर टू ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है, मेरे पास सच दैट पी वन इज ग्रेटर देन पी टू, देन पी वन स्क्वायर माइनस पी टू स्क्वायर, पी वन स्क्वायर माइनस पी टू स्क्वायर इज ए ऑप्शन इवन नंबर, बी ऑप्शन ऑड नंबर, सी ऑप्शन मेरे पास जो है दैट इज एन ऑड प्राइम नंबर, एन ऑड प्राइम नंबर, डी ऑप्शन मेरे पास जो है दैट इज अ प्राइम नंबर। पता है ना ये चीज, आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, यू कैन टेक एनी एग्जांपल, है ना, थ्री और फाइव ले लो, थ्री और सेवन ले लो, चेक कर लो, ओके जी, माइनस करके देख लो, हमेशा इवन नंबर आएगा, ऑलवेज एन इवन, ठीक है बेटा, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए सेम क्वेश्चन, अब आप करोगे सारे, आई विल नॉट डू दैट, यू कैन टेल मी द आंसर, द एचसीएफ ऑफ, हाँ जी, किसका, किस क्वेश्चन की बात कर रहे बेटा, बेटा क्लियर कट का है ना, पी वन इज ग्रेटर देन पी टू, चाहे नेगेटिव भी आए आना तो इवन ही है ना, अगर ना भी कंडीशन दी होती आना तो इवन था क्या, नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, इट इज रिटन देयर, इफ द एचसीएफ ऑफ, इफ द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55, 210 एंड 55 इज एक्सप्रेस्ड एज, इज एक्सप्रेस्ड एज 210x माइनस 19 इंटू 55, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जल्दी कैलकुलेट कीजिए सारे, हरी अप, ऑनलाइन स्टूडेंट ऑल्सो जस्ट रेज योर हैंड टू टेल मी द आंसर, जल्दी जल्दी, लेट अस सी बाकी बच्चों का कितना आया, मैंने आंसर पूछा एक्स की वैल्यू, बेटा आई नीड द वैल्यू ऑफ एक्स, जल्दी बेटा, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, हाँ जी हाँ जी, आप देखिए जब मैंने कहा दिस कैन बी एक्सप्रेस एज अ एचसीएफ ऑफ, तो दैट मींस ऑब्वियस है ही किसके इक्वल होगा, फाइव के, वहां से एक्स की वैल्यू निकालिए, जल्दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी, किसी ने नहीं किया, आरची सक्षम प्रेक्षित जल्दी बेटा, हर्षिता चाहत जल्दी जल्दी, ओके बिस्मना इज डन, वेरी गुड, यस बिस्मन बताइए बेटा, मैम द वैल्यू ऑफ एक्स इज फाइव, यस द वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑल्सो फाइव, एचसीएफ पहले निकालिए, ओके एचसीएफ के बाद आप इसको क्या करोगे, 200x माइनस 19 इंटू 55 किसके इक्वल हो जाएगा, एचसीएफ के, और यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, जो भी आंसर आया, ठीक है, तो x की कितनी वैल्यू आ रही है, 5, वेरी गुड विस्मन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास हो गए, द लार्जेस्ट नंबर सेम क्वेश्चन है,
मैंने सिर्फ देखना है कि आप कितनी स्पीड से काम कर रहे हो. द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 398 436 542 लिविंग रिमाइंडर 7 11 15 इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 398 436 542 लिविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15. बोलिए बेटा क्या करेंगे कार्तिकेय? पहले माइनस करेंगे उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे. फटाफट कीजिए जल्दी. तीनों को अलग अलग क्यों इकट्ठे एचसीएफ नहीं निकालना आता? आपकी मर्जी है. प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है उससे कर लो. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम डायरेक्ट सीधा लेते हैं, उससे जल्दी हो जाता है. जल्दी जल्दी मैं देख रही हूं कि कितनी स्पीड से आप काम कर रहे हो. वेरी गुड. आंसर इज 17. पहले माइनस कीजिए कि जो नंबर आए उनका क्या निकालिए एचसीएफ, और आंसर कितना आ रहा है 17. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू इज सच दैट पी इज दिस क्यू इज एक्स वाई क्यू, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, देन एच सी एफ ऑफ पी क्यू एलसीएम ऑफ पी क्यू. ऐसे नहीं, आराम से आराम से. हाँ जी, सबसे पहले एच सी एफ कैसे निकालते हैं? जब प्राइम, ये एक तरह की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ना. एलसीएम में हमेशा कौन सी पावर लेते हैं? एलसीएम में हमेशा बड़ी लेते हैं, एचसीएफ में छोटी लेते हैं. अगर मैंने एचसीएफ निकालना है तो छोटी पावर एक्स स्क्वायर टू आई एक्स है, छोटी पावर एक्स, यहां पर वाई स्क्वायर. एलसीएम में बड़ी पावर है ना, तो वाई क्यू एक्स स्क्वायर. कोई फर्क नहीं, मल्टीप्लाई भी है ना. मल्टीप्लाई में उल्टा सीधा एक्स वाई जहां मर्जी लिख दो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना इसीलिए. ओके, बात समझ आई? कैसे लिया रियान? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए. अब देखिए द एचसीएफ एंड एलसीएम, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स n minus 1 and n square minus 1 n square minus 4 जो गए आर रिस्पेक्टिवली, ये मुझे दिया हुआ है HCF और ये दिया हुआ है LCM. Now then the product of two numbers will be, कैसे करेंगे परीना? वेरी गुड वेरी गुड. क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज एचसीएफ इनटू एलसीएम. अब मैंने ये निकालना है और मुझे एचसीएफ भी दिया है, मुझे एलसीएम भी दिया है, तो दिस इज माय आंसर. बस ये तो ऑप्शन पे डिपेंड है. अगर मान लीजिए ऑप्शन ये दी हुई n माइनस वन का स्केयर n प्लस वन एन स्केयर माइनस वन और माइनस फोर, ये भी तो हो सकती है. क्यों? क्योंकि मैंने ए स्केयर माइनस बी स्केयर का आइडेंटिटी लगाई, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी वाले के स्केयर हो गया प्लस अलग छोड़ दिया इसको, ऐसे ये तो ऑप्शन पे डिपेंड है बेटा.
ओके बिल्कुल ठीक है ना। ऑप्शन ध्यान से देखनी है, कौन सी ऑप्शन पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट मेरे पास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज, हाँ जी, फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, सिक्स पावर एन माइनस फाइव पावर एन ऑलवेज एंड्स विद, सिक्स पावर एन माइनस फाइव पावर एन ऑलवेज एंड्स विद, चेक कर लें एक बार। नेचुरल नंबर है, मैं पहले वन पुट करूं, पहले मैं आंसर आ रहा है वन। अच्छा अगर मैं टू टू ले लूं, है ना, 36 माइनस 25 वन, वन 11 एंड्स विद क्या है, वन ही है ना, तो क्या लिखेंगे एंड्स विद वन। मेरे पास ऑप्शन है इसमें 2 1 3 4, वन इज करेक्ट, ओके जी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, इफ m इज अ रैशनल नंबर, राइट डाउन, इफ m इज अ रैशनल नंबर एंड n इज इरेशनल नंबर, इफ m इज अ रैशनल नंबर n इज इरेशनल नंबर, देन m प्लस n या माइनस n जो है, एंड m n जो है, ऑल आर रैशनल इरेशनल, आइदर रैशनल और इरेशनल, नाइदर रैशनल नॉर इरेशनल, क्या ऐसे नहीं, एक ही करके क्या कहा बोली, इरेशनल हमेशा इरेशनल। चलो लेट मी टेक वन एग्जांपल, इफ आई सेड 2√2 इंटू रूट टू, है ना, ये 2√2 नहीं, मैंने एम लेना था रैशनल और ये इरेशनल, ठीक है जी, ऑलवेज इरेशनल, बिल्कुल ठीक है, 100% इरेशनल होगी, 100% क्यों, क्योंकि ये रैशनल है, ये ही रैशनल है, अगर कोई कंडीशन ना दी होती ना तो हम कह सकते थे यस विस्मन, यस बेटा मैम, बट इफ एम इज जीरो, बेटा जीरो वाला केस तो हम कभी कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है ना, जब भी हम बात करते हैं ना विस्मन, तो उसमें जीरो से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो कैन बी रिटन एज 0√2 0√3, तो वो पर्टिकुलर केस किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आता है, ओके विस्मन, 2+ सेम 2+√2, हाँ जी बिल्कुल, सबको बात समझ आ गई बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास क्वेश्चन है, राइट डाउन, इफ एलसीएम ऑफ पी एंड 18, एलसीएम ऑफ P and 18 is 36. Is 36. Okay. Then मेरे पास जो है next जो है उसने दिया हुआ है HCF of P and 18. That is 2. That is 2. Find the value of P. क्या करेंगे? Product of two numbers is equal to HCF into LCM. ये कट गया तो P की value कितनी आ गई? बात समझ आई बेटा? Clear to everyone? चले आगे. Next बेटा, मेरे पास एक क्वेश्चन भी मैंने उस दिन भेजा था, अगर आपको याद हो, एलसीएम ऑफ 2/5
एलसीएम ऑफ, राइट डाउन द क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, बिल्कुल डिफरेंट। हम एलसीएम और एचसीएफ जो गए बेटा क्या करते हैं, वी ऑलवेज कैलकुलेट ऑफ अ नेचुरल नंबर करते हैं। कभी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकाला या एलसीएम? नहीं निकाला ना, तो लेट अस डू द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन नंबर। मैंने आपके ग्रुप में भी सेंड किया था, है ना, क्वेश्चन था मेरे पास, एचसीएफ ऑफ फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8/25, 16/5, 2/15। हाँ जी बेटा, ऐसे ही एलसीएम भी आता है हमारे क्वेश्चन में। हाँ जी, इसका मेथड पता क्या है मेरे पास? अगर, हाँ जी बोलिए, प्रिंसी को पता है, चलिए क्या लेना, गलत नहीं, रॉन्ग। एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन मेरे पास हो गए, ऊपर एचसीएफ ही आएगा, किसका, न्यूमिनेटर का, नीचे एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर का। उसने गलत बोला, पूछो उससे, कॉन्सेप्ट था ठीक बट वो गलत कर रही थी। अच्छा ऐसे ही सुनिए, दिखाने लगी हूं। अगर एलसीएम लेना हो, जो चीज लेनी है ना उसको ऊपर आर एचसीएफ फिर नीचे आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन का मैंने एचसीएफ लेना है तो क्या करूंगी, ऊपर एचसीएफ लूंगी किसका, 8/62 का, नीचे एलसीएम लूंगी किसका, ओके क्लियर। अब एचसीएफ लेना आता है, हाँ जी 8/16 और 2 आएगा, चेक करो, हरी अप, कॉमन फैक्टर 2 ही बनता है, एचसीएफ 2 आया, एलसीएम देखो 25, 5 और 15 का, आएगा, चेक कीजिए, पक्का। तो दैट मींस मेरे पास क्या बन गया, ऊपर कितना बोला था मैंने, नीचे चेक करना, 25 × 3, 75 आएगा बेटा, 75 आएगा एलसीएम, 25 × 3 करना था ना, मैंने 5 कर दिया। अब अगले का देखो, एलसीएम करना है, एलसीएम ऑफ 8/16 × 2, नीचे एचसीएफ ऑफ कीजिए, ये टाइप हमने कभी भी डिस्कस नहीं की है, हो जाएगा। अच्छा यही अगर होता डेसिमल वाले नंबर, ध्यान से देखना बेटा, अगर होते डेसिमल वाले नंबर ऐसे, क्या करना है, इसको डेसिमल हटाओ और कटिंग करो, कटिंग करनी है पहले, सीधा नहीं लेना, रिड्यूस करना है। जब आप रिड्यूस करोगे, 5 × 3 = 5, 20, 5 ये सीधा ही 25 × 3 = 25, 4। अब इसका पुराना वाला मेथड होगा, कौन सा, जो अभी मैंने बताया, फ्रैक्शन बन गया ना तो उससे करो, बिना कटिंग के करोगे तो आंसर गलत आएगा, बिना कटिंग के करोगे तो आंसर गलत आए। स्टैंडर्ड फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म में लेके काम कर। बात समझ आई बेटा, क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट देखें मेरे पास, लेट अस सी एचसीएफ ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एचसीएफ ऑफ
26 and 169, 13. Find. कैसे करेंगे? Yes. कोई जरूरत नहीं है वो निकालने की. सिंपल आपको पता है 26, 169 by 13 मल्टीप्लाई करो, ये एलसीएम आ जाएगा. ओके, क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? एनी डाउट टू एनीवन बेटा? चले आगे. हाँ जी, नेक्स्ट इज बेटा, नेक्स्ट इज आफ्टर हाउ मेनी, नोट डाउन द क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल दिस नंबर, विल मेरे पास हो गए टर्मिनेट, विल दिस नंबर टर्मिनेट. सिक्स बड़े वाला लेना हमेशा, ऑलवेज. ओके, अच्छा अगर ये होता भी ना तब भी सिक्स ही रहना है बेटा. नीचे टर्मिनेट होने के लिए डिनोमिनेटर में 2 power m और 5 power n होना चाहिए. और टर्मिनेट करता है कितने डेसिमल प्लेसेस में, जो ये पावर होती हैं इनमें से जितना बड़ा है. ठीक है, अब जैसे यहां नहीं थी तो मैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई. नीचे 10 आ जाएगा तो अपने आप डेसिमल एडजस्ट होगा कि नहीं? बात समझ आई? क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? अच्छा नो, बैठिए प्लीज. हाँ जी, अगर मैं ये कहती विल दिस टर्मिनेट, इट विल टर्मिनेट. बेटा कितनी बार कहा, कटिंग होती है तो पहले चेक किया करो, क्यों नहीं करते हो? कैंसल हो रहे हैं, 27 बचा डिनोमिनेटर में 3, वही गलती करनी ही करनी है, जो मर्जी हो जाए. सबसे पहला काम कहती हूं, अच्छा ऐसे भी हो सकता था, देखिए लेट अस सी. After how many places this will terminate? मेरे को पहले ही पता था. हाँ जी दक्ष, ना सुनी और मनमीत, no need to listen. इतने important है. That will terminate after 3 decimal places. Reason? यहाँ 2 की 1 cutting हो रही है. कितने अभी पीछे बोला कि अगर कटिंग होती है तो क्या करना है, सबसे पहले कटिंग करनी है. कटिंग हो रही है ना, तो दैट मींस क्या करोगे इसको सबसे पहले? तो बेटा उन लोगों ने 4 बोला ना, 2 की पावर 4 बोला कि मैम 2 की पावर 4 है, मैक्सिमम पावर 4 है, तो टर्मिनेट आफ्टर 4 decimal, दैट इज ऑल. कौन सा? हाँ ये 4 पे इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 decimal places. सबको बात क्लियर हो गई? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? ओके, होप यू विल एबल टू डू एवरीथिंग इन द एग्जाम एंड वी विल मीट टुमारो विद अ न्यू क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. गॉड ब्लेस यू.